ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको उस संत के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपनी संपूर्ण धन संपत्ति बेचकर गरीबों बीमारों के लिए अस्पताल और आश्रम खुलवाए। जैसा कि हर साल 8 मार्च को संपूर्ण कलीसिया ईश्वर के संत योहन का पर्व मनाती है। 8 वर्ष की उम्र में वे संसार को देखने के लिए घर से भाग गए। तब एक अमीर आदमी ने उन्हें गोद ले लिया। वे एक सेना में भर्ती हो गए और अपना जीवन सांसारिक मोहमाया में बिताने लगे। तब उन्हें प्रभु के दिव्य दर्शन हुए और प्रभु ने उन्हें विश्वास की ज्योति उनमें जगाई। उन्होंने अपने जीवन की सभी बुरी आदतें छोड़कर ख्रिस्त जीवन यापन करने का निर्णय लिया। उन्होंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और बाइबल पढ़ने में अपना समय बिताया एवं कई किताबों को लिखते हुए वह कलीसिया की सेवा में अपने लेखन पद्धति के द्वारा मदद करने लगे। 41 वर्ष की उम्र में उन्हें एक दिव्य सपना आया और उन्होंने गोनार जाकर एक पुस्तकों की दुकान खोली। उन्होंने अविला के संत योहन के प्रवचन सुनकर अपना जीवन परिवर्तन कर लिया और अपने पास जो भी धन संपत्ति थी वह गरीबों के लिए दान में दे दी। उन्होंने लकड़ी का भी व्यापार किया ताकि गरीबों की मदद करे। उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया जहां वह गरीब अनाथ लोगों के लिए विशेष रूप से कार्य किया करते थे। जब कोई बीमार व्यक्ति उनके पास आता था तब वह उसके पैरों को धोकर उसे एक साफ बिस्तर में लेटा देते थे और उसका वे इलाज करते थे। वे अपने अस्पताल की मदद के लिए रात को बाहर जाकर लोगों से सहायता मांगते थे। वे सब कुछ अपने हाथों से किया करते थे, अस्पताल की सफाई, लोगों की देखभाल एवं मदद, यह सब कुछ खुद ही करते थे। ये एक प्रकार से ईश्वर का चमत्कार ही तो था। जब कोई बीमार व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहता था उस समय वे पुरोहित से जाकर गुहार लगाते थे ताकि वे आए और उस व्यक्ति का पाप स्वीकार सुने और स्वास्थ्य प्रदान करें। उनकी मृत्यु 8 मार्च 1550 में हुई थी एवं 16 अक्टूबर 1690 में संत पिता अलेक्जेंडर 8वें ने उन्हें संत घोषित किया। सेंट जॉन ऑफ गॉड से प्रेरित होकर आदरणीय ब्रदर फोर्टनाटुस तानाउसर ने सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट जॉन ऑफ गॉड की स्थापना की। सेंट जॉन ऑफ गॉड धर्म बंधुओं का भारत में आगमन सन 1969 में हुआ। ब्रदर फोर्टनाटुस तानाउसर ने सेंट जॉन ऑफ गॉड की आध्यात्मिकता भारत में लाए। उन्होंने सन 1977 में सेंट जॉन ऑफ गॉड की सिस्टर्स ऑफ चैरिटी धर्म बहनों के लिए संस्था की स्थापना की। यह धर्म संस्था रोगी, दुखी एवं जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित है। वर्तमान काल में इसका विस्तार विश्व के कई प्रांतों में यीशु ख्रिस्त की दयालुता को बेसहारा एवं परित्यक्ताओं की सेवा में लगे रहे हैं। ये धर्म बहनें सेवा कार्य के क्षेत्र में अस्पतालों में रोगियों का उपचार, अनाथ बच्चे, बौद्धिक और मानसिक विषमताओं से पीड़ित लोगों की सेवा, परिवारों से मुलाकात, रोगियों का उपचार करती है। क्या आज आप इन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है? बेसहारों को अपनाने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, प्रभु के दयालु प्रेम का साक्षी बनने के लिए, वक्त की पुकार सुनकर क्या आप हाँ कहना चाहती हो? तो आइए, सेंट जॉन ऑफ गॉड जिसने ईश्वरीय प्रेम और भ्रातृ प्रेम स्वीकार किया था, आपका स्वागत है।